नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर गंभीर घायल, टायर फटने से हुआ हादसा। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के NH-46 पर भानगढ़ के पास एक ट्रक टायर फटने की वजह से न केवल अनियंत्रित हो गया बल्कि सीधे डिवाइडर के पास लगी लोहे की रेलिंग को तोड़कर गड्ढे में पलट गया। इस घटना में ट्रक में लगे हुए कागज के रोल सड़क पर बिखरने से बाल बाल बच गए, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर ट्रक में लगे हुए कागज के रोल सड़क पर बिखरते तो सड़क से गुजरने वाले कई वाहन इसकी चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। इस घटना में ट्रक के चालक को गंभीर चोटें आई हैं, घायल ड्राइवर को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। सुभाषपुरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर से शिवपुरी की तरफ जा रहा ट्रक क्रमांक RJ11GC2988 बीते शाम टायर फटने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सड़क पर लगी रेलिंग तोड़ते हुए सीधे डिवाइडर के बीचों बीच जा घुसा और उसमें रखे हुए रोल इधर उधर बिखर गए। वह तो गनीमत रही कि कागज के रोल सड़क पर नहीं बिखरे, वरना बड़ा हादसा घटित हो सकता था। दुर्घटना के बाद ट्रक के पलट जाने के चलते ट्रक के इंजन का ऑयल और डीजल चारों तरफ सड़क पर फैल गया। ट्रक में कागज के रोल भरे हुए थे। गनीमत रही कि ट्रक में इस पार्किंग नहीं हुई, नहीं तो बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्रम है सर। विक्रम, कैसे हुआ जा सर? ऐसे हुआ सर, इसका अगला टायर जो फट गया है, ड्राइवर को क्या नींद आ गई क्या आ गया, वो तो परमात्मा के हाथ में है। क्या हुआ, हम तो अभी आए हुए हैं। अगर ये रील अगर रोड पे आ जाती तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते, वो तो भगवान की कृपा ऐसी है। ये अभी गड्ढे के अंदर ही है, गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, मोटर वाले कभी थोड़ी जाम में आ जाएंगे।